अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं और हुमा बैठे। अब हुमा कौन, आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं जिसको मैंने अपनी हेल्प के लिए बर्तन धोने के लिए रखा है, ठीक है ना। तो वो और मैं आज बैठे। एक्चुअली ये कपड़े मैं 2-4 दिन पहले आप लोगों के साथ शेयर की कि ये कपड़े मैं पहनती नहीं हूँ अभी फ़िलहाल, तो मैं इसको उठा के रख रही हूँ, ठीक है। तो बस वो उन्होंने सामने से मुझे बोला था कुछ दिन पहले कि कुछ कपड़ा रहेगा तो मुझे देना पहनने के लिए, तो मैंने ये निकाली थी। तो फिर मैं बोली चलो अच्छा कोई तो है जो पहनने के लिए कपड़े मांग रहे हैं। मैंने बताई थी ना आप लोगों को, यहाँ पे कपड़े भी बेच देते लेके नहीं पहनते तो। लेकिन ये अभी इतने खुशी से इन्होंने कपड़े लिए ना, कितने खुशी से, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप लोग भी वॉच कीजिए। मैंने इसको सिया भी था और मैं अभी तक पहनती हूँ। ये इसके ऊपर का जैकेट है। मैं टी शर्ट जीन्स सब पहनते बाहर जाता तो टी शर्ट जीन्स करना नहीं। क्या अच्छा है। रुको एक टॉप बताती, पहनेंगे क्या। मैं टॉप है घर पे सब पहनते। मैं एक काम से आके नहाने के बाद फिर पहनते। बाबा तुम तो फिर हीरोइन है। हीरोइन मेरे बाप रे, हमारी होगा हीरोइन है। आज बिंदास रहने का भी मतलब अच्छा लग रहा होता है जब से हट उठा बिंदास ही रहने का भी। उसको जरा हटो। पहले मैं जी मतलब एक करके रोता था, हर टाइम सोचता था कि बिंदास सब पहनने का, दौड़ने का, घूमने का। टेंशन ही नहीं है ना कोई चीज का। टेंशन है नहीं मतलब पहनने जाने का ना, मुझे बहुत सब अच्छा लग रहा है। चलो मेरे को भी दिखाओ ना अच्छा अच्छा पहन के, फिर मेरे को भी अच्छा लगेगा उमा को अच्छे से देख के। हाँ दिखाएंगे ना पहन के। अच्छा दिखाएंगे। कहाँ है रे उमा वाला, तुम पहनता है ना जीन्स। मैं पहनती हूँ ना, बाहर जाते हैं ना पहन के। बाहर जाने के लिए मेरा आदमी बोलता है मुझे चल ऐसी चल, लेकिन है ना मेरे को अभी है ना कैसे ना थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। बच्चा लो ये टॉप देखो, बच्चा होने का बाद ना। हाँ क्योंकि पेट थोड़ा सी आ गया ना बाहर, वो अच्छा नहीं लगता है। इसके अंदर तुमको कुछ पहनना पड़ेगा। हाँ उमा आंटी बोलना उसमें। तो इसका अंदर लो जाओ ये वाली पैंट लो। आप लोगों को बोली थी ना मैंने ये पैंट मेरी बहुत फेवरेट है, ये वाली ये बहुत फेवरेट है। आज ये मेरी फेवरेट पैंट मैं फेवरेट हुमा को दे देती हूँ। देखो लेकिन तुमको आती क्या, तुम्हारी कमर और मेरी कमर बहुत अलग है ना बाबा। स्ट्रेचेबल है ना। हाँ स्ट्रेचेबल है, आ जाएगा। मेरा कमर ठीक है, पेट मोटा है मेरा। मेरे को पेन के दिखाना, ये पेन के दिखाएंगे। मेरे को नहीं दिखाना तो तुम देख लेना। मैं वीडियो कॉलिंग तुम्हारा नहीं चालू रहता ना, वीडियो कॉलिंग करेंगे तुम मेरे को मिलने नहीं आ सकते। आ जाएंगे मेरे को मिलने आना। आज ये पहन के आएंगे। हाँ पहन के आओ। क्या पहन के आएंगे, जींस टी शर्ट पहन के आएंगे। जींस टी शर्ट पहन के आएंगे तुम। हुआ सही में पहनते तुम्हारे टेटस नहीं देखा, लड़की रखते टेटस नहीं देखा ना तुम। नहीं तुम्हारे बच्चे लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मेरे बच्चे लोग को कुछ नहीं बोलते है, मेरा लड़की बोलते है। मेरा लड़की को सारा मारते हैं, मैक्सी भी घूमते है, काम करते है। अच्छा। हाँ वो बोलता है अच्छे से रहो। तुम्हारी लड़की की एज क्या है। 9 साल की। इनकी बेटी को मैंने देखा है माशाल्लाह अच्छी है। स्कूल पता है कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं। सेंट पॉल में पढ़ा रहे हूँ मैं अपने बच्चों को, अच्छा लगता है। सही है ना। नहीं पहले मेरा आदमी आया था ना। हाँ तो बोले तू मेरे काम वाली का भी लायक नहीं है। हाँ ऐसा ऐसा बोला। तुम्हारे हस्बैंड ने ये बोला। तो मैं फिर अभी धीरे धीरे फिर रोता था। मतलब तुम काम वाली के मतलब तुम काम वाली जैसे भी मतलब क्या काम वाली मेरा लाइक नहीं है, मेरा काम वाली का भी लाइक नहीं है ऐसा बोला था। तो अभी मैं वही सब सोच सकती। और तुम बोलते हो वो तुम्हारी बहुत सेवा किया है। हाँ किया। झूठ बोलो किया था। तो जब इतनी सेवा किया इतना प्यार किया चेंज होने का कोई टाइम नहीं रखते सब बोलते ये यहाँ पे ये बात जाएगी चलेगा। हाँ जाने दो ये बात। इसमें कुछ मेरा ये नहीं है आदमी का मैंने बोलने के लिए अभी डर नहीं लगता। नहीं अभी डर नहीं है। मैं काम करता मेरे को पालते थोड़ी। हुआ बेचारी बहुत परेशान रहती है। हुआ मेरे पे मेरे घर पे काम करके कैसा लग रहा है। अच्छा लगता है। मैं बोल रहा मैं 2-3 जन को बोला भी जे मैं जो काम करते है ना वो अच्छी है बोला। कल कपड़ा भी पहन के मेरी 2 जन को बोला देखो मेरे को 2-3 दिया कपड़ा अच्छा अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा ना वो टॉप नया ही है वो। कहना भी यार कितने सारा फोटो भी खींचा तुम। देखो ना टेटस में फोटो रखा मेरा लड़की इसमें भी रखा देखो तुम्हारा कपड़ा ही। मैंने अभी हुमा की फोटो देखी, मैंने यूट्यूब
क्या बताऊ, मैंने ना इनको कल परसों में ना दो तीन टॉप दिए थे जो मुझे थोड़े से लूज हो रहे थे नहीं है लेकिन है ना मुझे लूज हो रहे थे, ठीक है मैंने दो तीन बार पहना है उसको, ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन हुमा ने ना वो पेन के स्टेटस पे फोटो रखा, बाबा ऐसा तो अपन भी फोटो नहीं खिंचाना यार, जिंदगी है ना जीने की होती है, बस मजबूरी एक चीज हो जाती है कि मतलब हाँ करना है काम करना है, मैं भी काम कर रही हूँ वो भी काम कर रहा है, लेकिन क्या वो अपना जीना बंद कर देंगे क्या ना हुमा, जीने का शौक से मैं बोली ना जब भी कुछ चाहिए मेरे को बता देने का बस, खाली अगर मेरी गुंजाइश रही तो मैं कर देगी, ठीक है तो हुमा बोलते मेरे साथ काम करके उनको बहुत अच्छा लग रहा है, यही जरूरी होता है अपने साथ रहने वाले, साथ में रह रहे मेरी दोस्त है वो दोस्त। आज क्या बोली हुमा मैंने तुमको बाहर, क्या बोली मैंने जब से तुम आ रहे तब से मैं भूल जाता जल्दी। अभी मैं बोली ना तुमको, तुम आए तुमसे बात करती हूँ तो अच्छा लगता है, एकला रह के बोर आते तो मैं जब से लगा थोड़ा बात करते तो अच्छा लगता है। मैंने उनको अभी बोली कि तुम एक डेढ़ घंटे के लिए जो भी आ रहे मेरे घर में मुझे बहुत अच्छा लगता है अभी, वरना कब सुबह होती थी कब रात होती थी, ऐसे ही कुछ दिन निकल जाता था, कुछ स्पेशल किसी से कोई बात नहीं होती थी, अभी आते थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी हो जाता हम लोग का, तो अच्छा लगता है मुझे अभी हुमा के साथ। हुमा डरते है कैमरे पे आने के लिए, डर लग रहा है? डर नहीं है। तुम रो रहे की लेकिन तुम रो रहे क्या है? नहीं नहीं रोने का क्या, अच्छा सर्दी है ना इसीलिए। अच्छा कौन सी सर्दी बाबा, रुको मैं हुमा से पूछ लेती जरा क्या प्रॉब्लम है। जिंदगी ना बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है कभी रिलैक्स। पहले का फोटो भी बताएंगे और अभी का फोटो देखना, मैं पहले कैसे था अभी कैसे। वही क्या बोल रही, जिंदगी में बहुत सारे तकलीफें आती है, जैसा तुम जिंदा दिल होके अभी बोले ना, अभी सब पहनती है, मेरे को खुशी होता है जो करने का वो मैं करती हूँ, करने का पहले से पहनता है, बीच में बच्चों के बाद छोड़ दिया है सब, साजना है करना लिपस्टिक का भी जैसे लगाते, पहले कैसे किधर भी बच्चे लेके गार्डन में जाओ किधर भी जाओ बाल ऐसे बांध लेता है, कपड़ा पहन लेता कैसे भी चल जाता, अभी कैसे ऐसा लगता नहीं, सब कोई बताया भी है ना जैसे मत रहा करो थोड़ा अच्छे से रहा करो। हाँ ये कपड़ा है ना ये सब दिल के अजीज है मेरे, ये सब दिल के अजीज है मेरे, देखे ना तुम कितना कपड़ा अंदर सोच, क्या सोची पता है, कभी तो दुबली हो जाओगी और वो कपड़ा को ना मतलब खोलने का नहीं है मेरे को जो कपड़ा अंदर, लेकिन उसमें इतना कपड़ा है 3-3 इंच देखे ना वो तुम खुलवा के पहन सकते हो। मैंने मेरे पास अभी मीशो से मैं कितना ऑर्डर करती हूँ कितने कपड़े मंगाती हूँ, अभी उसको क्या मैं वापस वेयर करूँ, मैं ऐसा मैं थोड़ी लालची हो गई थी, मेरे को लगा था सलवार में पहन लूंगी लेकिन नहीं, अभी कोई पहनने वाला मिला तो कैसे सलवार दुपट्टा कुछ भी उठा के रखूँ। अरे हाँ कौन सा ड्रेस, नहीं इसमें नहीं है वो ड्रेस, नहीं बाकी सब हो गया, अब ये चिंदी आया ये रख देती हूँ, तुमको सच में अच्छा लग जाना मेरे साथ काम करके। हाँ बस मेरे को वही जरूरी है, ये तो मेरे आदमी की शर्ट है, अभी ये शर्ट तो नहीं पहनी है। ये साड़ी मेरी माँ की साड़ी है, उस माँ के लिए झूला बांधने को दिए थे तो ये याद के तौर पे रखी अपने पास, ये झूला मेरी माँ की साड़ी है, वो मैंने उनको वापस भी नहीं दिया, मैं बोली नहीं दूंगी क्योंकि उसके अंदर मेरी बेटी सोई भी है, ठीक है। ये मेरे नकाब है जो आप लोग बोलते पहनो पहनो पहनो, कोई वजह से मैं नहीं पहनती, बहुत सारे नकाब है मेरे पास लेकिन मैं ये देती भी नहीं किसी को, पहनती भी नहीं हूँ, जिंदगी में वापस अगर मेरे दिल में आया सब दिल में आने वाली बात है भाई, मैं वापस पहनूंगी। अच्छा ये मेरी शादी का नकाब है, शादी के पहले शादी, हाँ शादी का नकाब है और शादी के बाद मैंने ये वाला लिया था, बहुत एक नकाब तो मेरा नया नया मैंने खुद ही ना चुनरी की थी, ये देखो नकाब का दुपट्टा मेरा, पता है यार मतलब दिल की होती है, अल्लाह भी मेरे भी दिल में डाल दे, वापिस पहन लू मैं, लेकिन किसी के बोलने पे नहीं करती मैं, मेरा आदमी मेरे को खुद भी नहीं बोलता, मेरे आदमी को जींस टी शर्ट में अच्छी लगती बस, मैं वो भी नहीं पहनती हूँ, मेरे आदमी मुझे इतना कोई चीज का रोक टोक नहीं है भाई, क्यों झूठ बोलू, रोक क्या टोक नहीं क्या, अच्छा नहीं बुरा नहीं कुछ नहीं बोलते वो, ना अच्छा बोलेंगे ना बुरा बोलेंगे। मेरे नकाब है मैं इनको संभाल के रखती हूँ, पहनूंगी मैं वापस इंशाल्लाह, लेकिन कब पहनूंगी मेरे को नहीं मालूम, हाँ मेरे को नहीं मालूम, मेरे दिल में आएगा ना तो अपनी मर्जी से फिर वापस पहनूंगी। चलो फैमिल चाहिए तुमको, क्या चाहिए, कपड़े में पोटला बांध लो अभी, तुम यही दुपट्टे में बांध लो है ना, ऐसे मेरे पास और कपड़े ऐसे मेरे को लगेंगे मैं और घूमती, बस पहन के मेरे को दिखाओ, लेके जाके रख मत दो, पहन के दिखाओ मेरे को, ये सब सिलाई खुलेंगे देखो कितना क्या ले रहे हैं खुलने के लिए।
जो जो टाइट है घर पे जाके देखेंगे तुम्हारा टाइट आ जाएगा। मैं ढीले ही कपड़े पहनती हूँ, सबको पता है मैं कितना ढीला कपड़ा पहनती हूँ। कितने लोग होते हैं जितना टाइट टाइट पहनते हैं फिगर दिखाने को, मेरे को नहीं होता बाबा। पहले मैं पहनता था टाइट टाइट कपड़ा, मैं लूज कपड़े पहनती हूँ। मैं बोल रहा हूँ ना तुमको, कुछ भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम पहन लेंगे। ये मेरा वो कपड़ा है जो दो दुपट्टे को बांध के लंबा किया है, सिला के पेट पे बांधी। सीजर के डर बांधी मैं, मेरे को सीजर पे मेरे को पट्टा दिया था लगाने को डॉक्टर। मेरा पट्टा पड़ा है तो वो पट्टा बहुत दिक्कत होता था, इतना खींचे नहीं जाता था मेरे से वो लगाने के डर पे, तो मैंने ये बनाया था। ये तो होगा नहीं लगता मेरा लगने में और डालने के देखने में पचास रूपए में लाजो मिल रहे, 50 रूपए में टॉप मिल रहे। तो वो लेके आया था बच्चा का 50-50 रूपए में मिलते। देखो भाई 5 नंबर पे गुरुवार के दिन जाएंगे तो 50-50 का प्लाजो भी मिलता है। हाँ, सौ का भी मिलते हैं, 50 का भी मिलते हैं। लाजो लाजो ये सब खूब है ना, ये 50 का ही मिलते हैं। मैंने ली थी देखो ये कितने का, 150-150 रूपए का ली थी। तो अभी भाव कम है। अभी मैंने भी नहीं ली थी, मेरे आदमी ने मुझे गिफ्ट किए थे इतने सारे प्लाजो। पेन बहुत पहना मैंने, मैक्सी के अंदर अच्छा लगता था पहनने के। देखो अभी भी पहना हुआ प्लाजो ही। अभी मैं वो जब डाली ना इधर तो मेरे दिल में आया यार अब मैं क्या पहनूंगी मैक्सी के अंदर, फिर दिल में आया अब मैक्सी पहनना छोड़ दूंगी। सब मैक्सी तो खत्म हो गए, मेरे पास मैक्सी कहाँ, अभी नहीं है मैक्सी, खत्म हो गई। अभी मैं कुछ और ही पहनूंगी। घर पे पहन सकता तो टॉप और ये। हाँ मंगाई ना अभी मैं लंबी लंबी टी शर्ट मंगाई, मैं लंबी लंबी टी शर्ट मंगाई अभी वो पहनूंगी। टॉप आ रही है लाजो, लाजो नहीं प्लाजो, मुझे नहीं क्या क्या लाजो 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 एक लेके आया और पहले का दो मुझे कोई दिया था वो फट गया। ये लेगिंग अच्छी है, ये दोनों भी, ये पिंक वाली और ये ग्रीन वाली, ये दोनों लेगिंग है। ये पहन सकते ये देखो, ये वाला ड्रेस कैसा लगा, ये पिंक वाला, ये पिंक वाला जिसपे काम है अच्छा लगे। मेरे आदमी क्या बताते पता मुझे, अरे ये क्यों डाल रही है, तो तू पहन सकती है, मैं नहीं पहनती हूँ। मेरे को ना जिसका दुपट्टा ज्यादा काम रहेगा ना, जिसके दुपट्टे पे ज्यादा काम रहेगा ना वो ड्रेस मेरे से नहीं होता संभालने के लिए। अरे वो ब्लैक वाले का तुमको बोली ना, मैं तुमको दुपट्टा देख के देती हूँ। वो काम मैं देख लेती हूँ, मैं तो पहन के रास्ता में निकलते, मेरा कुछ है नहीं है, मैं तो जाते हैं घूमने के लिए। अरे उमा मैं इतनी हार्ड हूँ ना, मैं मेकअप वेकअप करके घर के अंदर 1 घंटे के अंदर धो भी लेती हूँ। मैं मेकअप क्या करता है, आईलाइनर लगाते कभी बाहर जा रहा तो। अभी है ना ये वाली मैक्सी है ना मेरी, ये दिन फट गई, अब मैं इसको वापस सी के पहनूंगी क्योंकि ये मेरे भाई ने मेरे को गिफ्ट किया। गर्मी का टाइम थोड़ा चाहिए मैक्सी, थोड़ा खुला। कितना फटा देखो ना, ये वो कबाड़ को लगा था, अभी मैं इसको सी के पहनूंगी। ठंडी का टाइम कुछ भी और उतना ही नहीं, मगर गर्मी का टाइम थोड़ा ढीला ढीला। ये मेरी माँ ने मेरे को दिए थे बोली थी ना मैं निकाली हूँ कपड़ा तुमको देती हूँ, लेकिन मैं कल बोली और मैंने रात को इनको बोली कि तुम वो पोटला निकाल दो, तो निकाल के गए बोल के तुमको दे पाई, वरना फिर नहीं दे पा। चलो मेरे मेरी ऑडियंस को बाय बाय कर दो जरा। बाय बाय कैसा बाय बाय। ये हमारी हुमा, ये हमारी हुमा जो इतनी देर से बात कर रहे, टपर 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 मेरे जैसे दवा दो बोलने के लिए चालू है ना, बजना तो खत्म ही नहीं होता है। चलो फिर संभाल के जाओ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।